इनकी हत्या की, इतनी निर्मम हत्या है ना, इस चीज को हम कैमरे पे आपको दिखाते जा रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसे इनके पॉकेट में थे शायद, उस पैसों के लिए जैसा कि इनके परिवार मकसद से इनकी गर्दन को काटा गया ऊपर में घुस। देखिए सर, उसमें बगली में पैसा था कुछ, वो निकाल लिया गया है और उनका हत्या कर दिया गया है। पॉकेट में पैसा था? पैसा था। कितने पैसे होंगे? पैसा एनी टाइम उनके पास रहता है, 5-7। और किसी के अंदर आत्मा अगर होगा ना, इंसानियत होगी, तो कोई रो देगा इस दृश्य को देख के। छठ पूजा है अभी, सब लोग देखिए नए नए कपड़े पहन के हम लोग छठ घाट जाएंगे। लेकिन अब एक परिवार जो कि गांव के बीच में है, थाना ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, सोचिए। और थाना के इतना करीब एक हत्या हो जाता है घर में घुस के, कहीं ना कहीं अब आप समझ जाइए। मैं तो जिला एसपी, देखिए अभी हम लोग बिहार के छपरा जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के दंदासपुर गांव के नौका बाजार है, यह छोटा सा एक गांव है। और यहां पर छठ पूजा, देखिए पूरे देश में छठ पूजा मनाया जा रहा था और पहला अर्घ दे करके लोग अपने अपने घरों में आ करके सोए हुए थे। और यह घर जो आप दिखाई दे रहा है, इस घर में एक शख्स सोया हुआ था, लगभग 60 से 70 साल की उम्र में उनकी उम्र होगी। और रात को सोने के क्रम में, सोचिए कि इस घर के अंदर चार दीवारी के अंदर गेट जबकि शायद बंद होगा, इसके बाद भी गेट को खोल करके उनके गर्दन को उतार दिया गया है। समझिए कि इस छठ जैसे महापर्व में कैसे कैसे लोग इस धरती पे हैं, जो कि भगवान से भी नहीं डरते हैं। और एक घर में जहां पर पूरे लोग खुशी मना रहे होंगे, छठ पूजा, छठ का व्रत लोगों ने किया हुआ था, उस छठी मैया के डर को भी लोगों ने नहीं समझा और गर्दन को, सोचिए कि यहाँ से उनके गर्दन को सीधे काट दिया गया है और उनके पॉकेट से शायद पैसा भी ले लिया गया है। यहाँ पर लेकर आइए, देखिए इनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको बॉडी को नहीं दिखा सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन यही वह शख्स हैं जिनके, देखिए घर में क्या आज खुशी का यहाँ पर छठ पूजा होता है। और छठ पूजा के दिन में, छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। अभी देखिए हम लोग 2:30 बज रहे हैं, सिर्फ 2:30 बजे रात को यहाँ आना पड़ा, लेकिन ठीक 2:30 बज रहे हैं और जैसे हमें फोन आया हम पहुंचे हुए हैं। सोचिए कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा, लोग नहीं क्रूर होते जा रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसे इनके पॉकेट में थे शायद, उस पैसों के लिए जैसा कि इनके परिवार का कहना है, कि चंद पैसों के लिए एक इंसान का गर्दन काट दिया गया। सोचिए कितने क्रूर लोग हो गए हैं। मतलब जीवन में पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोगों को 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए। एक घर में, सोचिए पूरे गांव मोहल्ले में जो छठ का व्रत है, पूरे माहौल को खराब करके इनके गर्दन को काट दिया गया है। क्या पूछे इनके परिवार से हम, बताइए। देखने के बाद मतलब रोंगटा खड़ा हो जा रहा है शरीर का, कि एक बुजुर्ग इंसान जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, इनके गाँव के लोगों से हम बात करेंगे, क्या हम दिखाए उनको, बताइए। एक बात बताइए, कौन थे आपके पिताजी? थे मेरे दुश्मनी था क्या किसी से? नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं था उनका, कोई तीर्थ करिए हम, कोई दुश्मनी नहीं था उनका, कोई किसी से कुछ बात दुश्मनी नहीं था, नहीं। फिर किस मकसद से इनकी गर्दन को काटा गया ऊपर में घुस? देखिए सर, उसमें बगली में पैसा था कुछ, वो निकाल लिया गया है और उनका हत्या कर दिया गया है। पॉकेट में पैसा था? पैसा था। कितने पैसे होंगे? पैसा एनी टाइम उनके पास रहता है, 5-7-10 हज़ार हमेशा पैसा, एनी टाइम। बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के नाते इनके पास पैसा रहता था। चोरों को शायद पहले से अंदेशा होगा कि उनके पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, पहले से मतलब कहीं ना कहीं इनके पीछा किया गया होगा कि ईंख बेचते हैं, ईंख बेचकर मोटा पैसा रखे थे। और हमेशा बिजनेसमैन इंसान पैसा रखता है और पैसे के नेचर से इस हत्या को अंजाम दिया गया है जैसा कि मुझे प्रतीत होता है। और गाँव के लोगों, उनके बेटे का भी कहना है कि पैसे के नेचर से, पैसे चुराने के नेचर से इनकी हत्या की, इतनी निर्मम हत्या है ना, इस चीज को हम कैमरे पे आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को आकर के इस मामले को देखना चाहिए। बताइए कितने निर्मम तरीके से काटा गया है गर्दन को। मतलब आज के इस युग में जहां पर हम लोग कहते हैं डिजिटल हो चुके हैं, उस युग में सोचिए इस घर के अंदर घुसकर, घर को दिखाइए एक बार, इस घर के अंदर घुस करके एक आदमी अगर अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो मान लीजिए कि वो इंसान धरती पे किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं हो सकता है। अब सोचिए घर में कोई इंसान सुरक्षित नहीं है, रास्ते कोई जा रहा है, कोई मार देगा, कोई बात नहीं, कहीं मार देगा, लेकिन घर के अंदर तो आदमी सबसे सुरक्षित घर में होता है ना। दिखाइए घर के अंदर, सोचिए मारा गया है।
यहाँ तो हालांकि जनता बाजार थाना नहीं मौजूद है, मेरे आने के पहले थाना जा चुका है, वरना थाना से भी हम पूछते कि आखिर इस इलाके में हुआ क्या है कि किसी के अंदर अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है और आकर के सोचिए घर में, मतलब इससे आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में किसी अपराधी के अंदर कोई खौफ नाम का चीज नहीं है। अगर किसी के अंदर खौफ होता तो घने इलाके में आकर के कोई घर में घुस के हत्या नहीं कर सकता है, सोचिए किसी ने देखा भी नहीं है। अच्छा, हत्या कितना बजे हुआ, कुछ अंदेशा आप लोग? 12:30 करीब में। 12:30 देखिए आप लोग कितना बजे? नहीं नहीं, कितना बजे? करीब जाके देख लिए सारे, मैंने सारे एक लगा। लोग कहाँ थे जब हत्या हुई? लोग घर में सोए हुए थे। हत्या करके जो जा चुका था उसके बाद आप लोग? हाँ, उसके बाद आवाज कुछ नहीं? कुछ नहीं, एक शब्द की आवाज नहीं। धारदार तरीके से मारा जी? पूरा हड्डी तक कट गया, पूरा कट गया हड्डी। क्या कहिएगा, ऐसे जो लोगों ने किया है उनके साथ क्या बोलेंगे, इनसे मैं क्या पूछूं, बेटा है बताइए। और किसी के अंदर आत्मा अगर होगा ना, इंसानियत होगी, तो कोई रो देगा इस दृश्य को देख के। छठ पूजा है, अभी सब लोग देखिए नए नए कपड़े पहन के हम लोग छठ घाट जाएंगे, लेकिन अब एक परिवार जो कि गांव के बीच में है, थाना ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, सोचिए। और थाना के इतना करीब एक हत्या हो जाता है घर में घुस के, कहीं ना कहीं अब आप समझ जाइए। मैं तो जिला SP से कहूंगा सर, इस इलाके में आपको कहीं ना कहीं स्पेशल टीमें गठित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने मासूम परिवार, सोचिए कि इनका हत्या सिर्फ इनका हुआ, लेकिन पूरे इलाके में आज के बाद कोई सो पाएगा स्टैंड से? कोई नहीं सो पाएगा, क्योंकि जब इनकी हत्या हो सकती है तो कल मेरी भी हत्या हो सकती है, किसी की भी हत्या दिन दहाड़े रात के अंधेरे में हो सकती है, किसी की भी, किसी के घर में घुस के मार दिया जाएगा। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे छठी मैया से आपसे कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की होगी, जिन लोगों ने भी हत्या की होगी, मैं पुलिस पे शक कर सकता हूँ लेकिन भगवान पे शक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भी अगर इस छठ के पर्व में छठी मैया का व्रत किए हुए थे ये लोग, इनके घर के लोग, और इस व्रत के दिन में इनके अगर घर पे मातम आया है, तो उन लोगों का जिंदगी भगवान से, छठी मैया से मैं कहूंगा कि उनके पूरे खानदान की जिंदगी को आप बर्बाद कर दीजिएगा, जिन लोगों ने इस हंसते खेलते परिवार को आज मातम में बदल दिया है। बाकी आप लोग जिला SP को टैग करके इस वीडियो को ट्विटर पे आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जिला SP से मैं कहूंगा कि जांच, और इस थाना को जनता बाजार, मैं बार बार इस थाना को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इलाके में कुछ नया नहीं है, लगातार इस तरह के मामले होते रहे हैं और इसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। इनके भी हत्यारे पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे एकदम लचर व्यवस्था में है। बाकी अपनी राय दीजिएगा कि छठ के इस महापर्व में जहाँ पूरा देश खुशियां मना रहा था, एक परिवार में मातम आया, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इंसान अपने घर में सुरक्षित नहीं है इस बिहार में, तो फिर कहाँ सुरक्षित है, लोग कहाँ जी सकते हैं इस बिहार में? जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग अपने घरों में जब सुरक्षित नहीं है, ये उनका घर था और हर दिन यहाँ सोते थे हर दिन, लेकिन जो इंसान अपने घर में सुरक्षित नहीं है, वह इंसान कहाँ सुरक्षित हो सकता है, आप बताइएगा? कहने के लिए आपकी सरकार सुशासन है, लेकिन बताइएगा इस बात को कि जो अपने घर में सोया हुआ है, घर में नहीं सुरक्षित है, तो धरती पे इसका मतलब बिहार में ऐसे बिहार ऐसे राज्य में कोई कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है। बाकी इस वीडियो को शेयर करके जिला SP तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद।